ऑनलाइन वाला याद दिला दिया करो भाई। सबसे पहले किसकी देखना, बेसिक मैथ्स की रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है ना, 7-8 लेक्चर्स है उसमें, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ग्राफ्स वगैरह है, ठीक है ना, क्योंकि उसके बिना नहीं पढ़ पाओगे। बाद में यूनिट डायमेंशन वेक्टर, दो चैप्टर हो गया ऑलरेडी हमारा, तीसरा ये खत्म ही हो गया आज, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग्स देख लेना, ओके, बेसिक मैथ्स याद रहेगा, ठीक है। याद लिंक दे रहा मैं, चैनल का ही लिंक भेज दूंगा आपको, उस पर सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सारे की वीडियो से, ठीक है, चैप्टर वाइज। देखो बच्चों ये बताओ, टी की कितनी पावर आ रही है, सिंगल की डबल? कल बताया था, मतलब लास्ट क्लास में बताया था, सिंगल पावर आती है तो क्या होता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन होता है। अरे स्ट्रेट लाइन होता है ना बच्चों, सिंगल पावर आती है। और बच्चों देखो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। अगर c जीरो हो बच्चों तो कहां से पास होता है? ओरिजिन से। अरे भाई यहां पर देखो सिर्फ mx का टर्म है बच्चों। अरे भाई यहां पर m क्या हो गया, a हो गया, x क्या हो गया, t हो गया, तो सिर्फ mx का टर्म है, मतलब क्या है आपका ओरिजिन से पास हो रही है। और a बच्चों पॉजिटिव है कि नहीं है? अरे बच्चों a क्या है अभी, पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है क्या होगा ग्राफ बच्चों, ओरिजिन से पास होगा और पॉजिटिव स्लोप होगा ऐसे। कितने टाइम के लिए बच्चों? जीरो से। क्या आ गया ऐसा? अब बच्चों टू से फोर सेकंड के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। अरे नेगेटिव होगा ना। अब बताओ टू से फोर सेकंड के लिए ग्राफ प्लॉट करो। नहीं थोड़ा सा ठीक है ध्यान देना, इसमें एग्जैक्ट ग्राफ बता रहा कैसे हो रहा है, कई इन्फॉर्मेशन मिस कर जाते हो क्या? पहली बात अभी यू जीरो होगा क्या? नहीं। अरे बच्चों टू से देखो बच्चों अभी एक्सलेट हुआ ना कुछ यहाँ पर वेलोसिटी अचीव कर लेगा ये। अरे अचीव कर लेगा ना बच्चों, तो अभी टू से फोर सेकंड के स्टार्ट में बच्चों कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। अरे कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी बच्चों आएगी, ठीक है, एग्जैक्ट उल्टा नहीं होगा। अरे यार ये बात समझो, अच्छा क्या होगा बच्चों बताओ, ये एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है, अरे है ना नेगेटिव, तो यू तो आएगा इसमें, तो और एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा बच्चों? यू बच्चों वी क्या होगा? यू माइनस एटी। तो कंपेयर करो ग्राफ किसका है बच्चों, वाई इक्वल टू यहां पर बच्चों क्या लिखोगे, सी माइनस एम एक्स, क्या लिखोगे? अरे बच्चों देखो m क्या है आपका, a है, x क्या है, t है, c बच्चों आपका इनिशियल वेलोसिटी, वो कांस्टेंट है, मतलब इस पर इंटरसेप्ट बच्चों क्या है आपका, पॉजिटिव, और स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो कैसी लाइन आएगी सोचो, इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव बच्चों, ऐसे आती कि नहीं आती? देखो इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चों, ये वाला, ये क्या है आपका पॉजिटिव, और ये एंगल क्या है बच्चों 90 से बड़ा है, तो स्लोप क्या है आपका नेगेटिव, ठीक है ना, तो कैसी लाइन आएगी, ऐसी लाइन आएगी ना। तो देखो कुछ ग्राफ कैसा आ जाएगा, क्या ऐसा आ जाएगा, क्या वीटी ग्राफ ऐसा आया बच्चों, क्या किसी बच्चे को दिक्कत, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया? अरे यार तुम समझा करो, तुम एग्जाम क्यों परेशान होते हो, मैं तुम कितनी बार बड़ा एटीट्यूड अपना चेंज करो, मेंटालिटी चेंज करो, तुम किसी तरह सोचते हो, मैं चाहूँ तो यार अगर मेरे बस में हो मैं बहुत आसान पेपर बना दूँ, ठीक है, सारे में v इक्वल टू u प्लस 80 लगाना है, सिर्फ यही आ जाएगा, तुम्हारे पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे और तुम खुश, उसे कुछ होगा क्या? यहाँ पर बता रहा हूँ अगर मैं तुमको पेपर आउट भी कर दूं फिर भी तुमको सब चीज पढ़ना चाहिए, क्यों? फाइनल एग्जाम में क्या आएगा, सब चीज आएगा, मैं थोड़ी बनाऊंगा। अरे आ गया बच्चों समझ में? अरे ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम सीखा करो, कुछ भी तुमको नहीं आ रहा कुछ भी डिफिकल्ट लगे जरूर उसको सीखना है, क्योंकि वो क्या करेगा बाकी के लिए भी टफ होगा, वो तुमको बाकी से एज प्रदान देगा, वो तो बाकी से एज देगा बच्चों, ठीक है, आ गया बच्चों समझ में? ऑनलाइन वालों यस सर, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, चेंज कर दे स्लाइड बच्चों, चेंज कर दें,
देखो बच्चे, कोई लिख तो नहीं रहा था, लिख लिया था ना? देखो बच्चे, अब ये बताओ अगेन 80 के ग्राफ में बच्चों, अभी ग्राफ देखो अगर आपका ऐसा है, क्या बच्चों ऐसा है, पहले इस पर बताया था मैक्सिमम वेलोसिटी वाला, याद है क्वेश्चन है, मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करना था 80 ग्राफ, बताया था ना कि मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर होगी, ठीक है। मान लो बच्चों ये क्या है आपका, कुछ है ए नॉट मान लो, और ये क्या मान लो 2 सेकंड 4 सेकंड, तुझे मान लो फर्क नहीं पड़ता, मुझे शेप पता करना है ना बच्चों, है तो कॉन्स्टेंट ए 2 4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मुझे क्या पता करना है शेप, 80 ग्राफ है बच्चों, ठीक है। तो जाहिर सी बात देखो, मैंने उसमें 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया था बच्चों, ये बात बताओ, पहले मैंने 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया था, क्योंकि बच्चों देखो एक्सेलरेशन का इक्वेशन है आपका, ये यहाँ पर पॉजिटिव था, इस बार निगेटिव था, जाहिर सी बात है ग्राफ चेंज होगा, और यहाँ भी बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, क्यों? अरे भाई एक बार इसका स्लोप क्या आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव, दूसरी बार क्या है निगेटिव, जाहिर सी बात हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। अगेन यू बच्चों मान लो आप 0, क्या मान लो, यू 0 मान लो, अब आपको बताना है वीटी ग्राफ, देखो फाइंड वीटी ग्राफ, फाइंड वीटी ग्राफ, ध्यान देना इसमें क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, क्या इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, हाँ एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, हाँ 5 है भाई कांस्टेंट, एस क्यों लिखूंगा, कुछ भी नहीं ले लेते यार, कह रहा था कांस्टेंट है कुछ भी, तो 5 5 मान लो, 2 4 मान लो, आया बच्चों किसी का, पहले देखो बच्चों, अरे कैसे करना होगा, पहले बताया था अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या यूज करोगे, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन यूज करोगे, ए क्या होता है बच्चों आपका डीवी बाय डीटी, डीवी बाय डीटी, अब आपको ए का इक्वेशन पता करना होगा बच्चों, अब देखो ए क्या है बच्चों, ये जो है ये देखो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और कहां से पास हो रही है, हाइपोटेन्यूज, तो जाहिर सी बात है इक्वेशन क्या होगा बच्चों, वाई इक्वल टू एम एक्स सी जीरो, बच्चों वाई क्या याद है, ए है, वाई एक्सिस पर ए है, और एक्स क्या बच्चों स्लोप सम कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, स्लोप आपका tan थीटा इक्वल टू 5 बाय, स्लोप वही होता है tan थीटा, क्या होगा बच्चों 5 बाय, अरे ये होगा ना बच्चों, कुछ कांस्टेंट ही मान लो उससे फर्क नहीं पड़ता, 5 बाय टू ही होगा, तो क्या होगा बच्चों dv बाय dt, यही है ना बच्चों, हां तो dv क्या होगा बच्चों आपका, इतना लिख
ठीक है। अरे हो गया बच्चों, ठीक है। तो देखो डीवी बाई डीटी क्या बच्चों आपको 5/2 टी आया, तो डीवी क्या लिख सकते हो 5/2 टी डी, लिख सकते हो ना बच्चों। कहां से कहां तक कैलकुलेट करना है तुमको, मान लो तुमको बच्चों अभी इक्वेशन बनाना है, क्या बताना है इक्वेशन, तो मुझे वेरिएबल के टर्म्स में लिखना होगा t = 0 पर बच्चों ये क्या था 0 था। अब यहां पर t = t रखना, तुमको इसका इक्वेशन पता करना है dt का, ना कि t = 2 से लेकर पहले पता करना है। तुमको क्या पता करना है बच्चों, अरे भाई तुमको v की इक्वेशन पता करना है बच्चों, तो टाइम क्या लोगे तुम, वेरिएबल लोगे। अरे ठीक है ना, ऐसा नहीं है t = 2 सेकंड पर वैल्यू, वो तो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, वो तो पता नहीं करना तुमको। तो क्या होगा बच्चों, और इधर क्या रखोगे 0 से t, मतलब ये बच्चों vt आएगा, मतलब t टाइम पर वेलोसिटी, ठीक है। अरे भाई क्या है, वेलोसिटी है ना, क्या आ जाएगा t टाइम पर वेलोसिटी। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, अरे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो dv का इंटीग्रल क्या होगा v, 0 से क्या आ जाएगा बच्चों vt। ये 5/2 बच्चों t dt का इंटीग्रल क्या होगा, t dt का इंटीग्रल t square by 2, अरे बच्चों क्या होगा t square by 2, 0 से क्या होगा 2, ये क्या होगा बच्चों vt equal to क्या होगा 0 होगा, 0 ही आएगा, और इधर क्या आएगा बच्चों 5/2, यहाँ पर क्या बच्चों t, तो कितना आ जाएगा 5/2 t square by 2, मतलब 5/4 t square, अरे कितना आ गया बच्चों 5/4 t square। देखो पावर 2 आ रही है बच्चों, क्या आ रही है पावर 2 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या है ये, हाँ पैराबोलिक है बच्चों। अरे पावर 1 आती तो क्या होता, स्ट्रेट लाइन होता, पावर 2 आ रही मतलब पैराबोला। अब पैराबोला बच्चों देखो ऐसा भी हो सकता है ना, इसमें टी स्क्वायर का ऑप्शन क्या बच्चों पॉजिटिव है, मतलब कंकेव क्या होगा बच्चों अप होगा। अब देखो टी इक्वल टू 0 रखोगे तो वी टी कितना आएगा बच्चों 0, शुरुआत में कहा था वेलोसिटी 0, तो बच्चों कहां से पास होगा t equal to 0 पर बच्चों, हाँ vt भी क्या रहेगा आपका 0 रहेगा, मतलब कहां से पास होगा, क्या ऐसे होगा नहीं होगा बच्चों, क्या ऐसे आएगा, क्या ये पार्ट समझ में आएगा, अरे आ गया ना बच्चों, इतना लिख लो बच्चों, इतना लिख लो, दूसरा पार्ट करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों अभी तक कोई दिक्कत है इसमें, किसी स्टेप में दिक्कत, प्लीज बता दो। देखो बच्चों क्या था आपका, एक्सेलरेशन वेरिएबल था, तो मुझे क्या लिखना पड़ा इक्वल टू डी बाई डी टी, ठीक है ना, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ा इंटीग्रेट, अरे वी टी पता करना है ना बच्चों, क्या करना पड़ा इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट वेरिएबल टाइम के लिए करोगे, क्यों, क्योंकि तुमको इक्वेशन पता करना है, ठीक है, ये आ गया। हाँ क्योंकि अगर टी 0 रखोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू कितने आएगी, देखो यहाँ पर 0, अगर t = 0 रखो तो vt भी कितना आ जाएगा 0, मतलब y और x दोनों 0 है यहाँ पर, ठीक है। और किसी कुछ डाउट, प्लीज प्लीज बच्चों डरे नहीं, श्रेया ध्रुव किसी को डाउट है, श्री वो नहीं है क्या नाम है, वानिका, ठीक है हो गया बच्चों पहला हाफ हो गया। अच्छा अब बताओ क्या, ठीक है यहाँ पर बताओ क्या अभी कुछ वेलोसिटी बच्चों उसकी हो गई होगी, शुरुआत में 0 वेलोसिटी थी, अभी ना कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो गई होगी, तो दूसरे टाइम इंटरवल के लिए बच्चों इक्वेशन लिखो, पहली बात तो ए का इक्वेशन लिखो बच्चों, ए क्या होगा, ए बच्चों क्या है अभी, क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है क्या, नहीं, इसका बच्चों इंटरसेप्ट क्या है आपका, इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चों पॉजिटिव, और स्लोप क्या है नेगेटिव, इक्वेशन लिख दो, अरे किसी फॉर्म के लिख दो, ठीक है ना, जेड तुमको इंटरसेप्ट है स्लोप पता नहीं करना है, तुमको क्या लिखना है इंटरसेप्ट क्या लिखना है पॉजिटिव, स्लोप क्या लिखना है नेगेटिव, इसको मिटा दे रहा हूं बच्चों में।
पिछला तुम मुझे भेज दिया नोट्स उसका, बेटर का भेजा था ना आपने? हाँ ठीक, उसका भेज दिया मेरा शायद। हाँ देखो बच्चों, ए क्या होगा पहली बात बताओ, यहाँ पर कुछ वैल्यू है ना बच्चों, इंटरसेप्ट क्या है? देखो ऐसा कर लो, एग्जैक्ट जो इक्वेशन होगा 5 माइनस क्या होगा बच्चों आपका, फाइव माइनस फाइव बाई टू, ऐसा लिखो 5 माइनस फाइव बाई, इसमें अगर t इक्वल टू 4 रखोगे ना बच्चों तो कितना आना चाहिए आपका, ये सही है ठीक है। इसको डिवाइड ना, हाँ देखो इसको निकालना मैं बता सकता हूँ ठीक है ना, तुमको ये समझना है बच्चों, तुम ऐसा लिख दो ना, ये सी क्या है बच्चों आपका, कुछ पॉजिटिव आएगा इंटरसेप्ट पॉजिटिव, और ये क्या आएगा आपका स्लोप क्या आएगा निगेटिव, सी माइनस एम इंटू टी ऐसा आएगा, सिर्फ इससे मतलब है तुमको, अरे तुमको सिर्फ उससे मतलब है, वो एग्जैक्ट इक्वेशन मैंने लिख दिया है ठीक है। ए क्या होता है बच्चों डी बी बाई डी टी, सी माइनस एम टी, अरे आएगा ना बच्चों ठीक है, तो इधर क्या लिखाएगा, क्या लिखोगे डी बी, और इधर क्या लिखोगे बच्चों सी माइनस एम टी डी टी, अरे होगा ना बच्चों, यहां तक लिखो, यहां तक लिखो, यहाँ पर बच्चों देखो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, यू नॉट लिख दो, अरे कोई कांस्टेंट, कोई ना कोई वेलोसिटी होगी ना भाई अभी शुरुआत में, और यहाँ पर क्या लिख दोगे बच्चों वेरिएबल, अरे वी टी लिख दोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों जीरो से टी लिख दो, अरे जीरो से क्या लिख दो टी ठीक है, बहुत दुखी बेटा लिख लिया, अरे भाई तुमको ये लिखना था ना बच्चों वाई इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, ये लिखना था ना, मैं बस सिर्फ इतना लिखना था, उसके बाद तो क्या करना है तुमको इंटीग्रेट करना है बस। अब जैसे जब ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत कम ही कर पाएंगे इसको, अरे ठीक है इतना अच्छा नॉलेज नहीं होता किसी को, हो गया, अरे हो गया बच्चों ठीक है, तो डी इधर क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, डी का इंटीग्रल क्या होगा, क्या होगा वी, अरे है ना वो अच्छा डी वी का इंटीग्रल क्या होगा आपका वी, हाँ क्या आएगा बच्चों वी टी माइनस यू नॉट, यही आएगा ना, पहले क्या रखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर क्या होगा बच्चों आपका सी टी माइनस क्या जाएगा एम टी स्क्वायर बाई टू, अरे ये आ जाएगा ना बच्चों, अरे भाई टी की वैल्यू जीरो रखोगे जीरो ही आएगा, क्या आ जाएगा सी टी माइनस एम टी स्क्वायर बाई टू, तो वी टी क्या आ गया बच्चों U naught plus CT minus MT square by 2। अब इतना गंदा इक्वेशन आ रहा है पर तुम घबराने की जरूरत नहीं है, क्यों है तो बच्चों किसका है, मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 2, और क्या है बच्चों मैक्सिमम पावर 2 आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा हुआ पैराबोलिक, और जो बच्चों T square का ऑप्शन क्या है नेगेटिव, अरे T square का ऑप्शन क्या है बच्चों नेगेटिव, स्लोप क्या होगा बच्चों आपका कंकेव डाउन होगा, तो कुछ ऐसा ही नहीं आएगा बच्चों ये अभी, अब ऐसा ही क्यों आएगा, क्या वेलोसिटी हमेशा बढ़ेगी बच्चों, वेलोसिटी हमेशा बढ़ेगी ना बच्चों, अरे बढ़ेगी ना सोचो, वेलोसिटी हमेशा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, तो ये जो बच्चों आपका ये तो ऊपर जाएगा ही हमेशा, बट एक्सेलरेशन क्या हो रहा है बच्चों आपका कम हो रहा है, मतलब इसका स्लोप क्या हो रहा है बच्चों देखो कम हो रहा है, तो इसका स्लोप क्या होगा बच्चों आपका कम होगा, तो ऐसे ही आएगा, अब ध्यान देना ये तो एग्जैक्ट मैंने बता दिया आपको, एग्जाम में आ जाए तो आपको बनाना बिल्कुल नहीं है, कभी भी बनाने की भूल मत करना, एग्जैक्ट मैंने कैसे आया ये बता दिया आपको, मान लो ये ऑप्शन आ जाए बच्चों तो आप आराम से इसको देख के बता सकते हो, पहली बात तो अगर मान लो मैं ऐसा दे दूं, मैं मान लो
ये ग्राफ दे दो बच्चे, ऐसा एक क्वेश्चन होगा। अब ये गलत क्यों है ये बता दो बच्चों। हाँ वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है ये गलत है। ये देखो सारी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, तुमको ऑप्शन रिमूव करना है बच्चों। क्या करना है? ऑप्शन रिमूव करना है। पहले देखो आपका बच्चों, देखो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी हमेशा, सबसे पहली बात तो ये है। अब इसमें बच्चों स्लोप भी बढ़ रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है स्लोप बढ़ेगा मतलब ऐसा आएगा। क्या वीटी ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन आ सकता है इसमें? नहीं, क्योंकि स्लोप तो कॉन्स्टेंट है नहीं। तो पहली बात तो क्या होगा बच्चों, ऐसा होगा। और दूसरे हाफ में देखो बच्चों, अभी भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी अभी भी बढ़ेगी। अरे वेलोसिटी क्या होगी? अभी भी बढ़ेगी, बट एक्सेलरेशन घट रहा है तो स्लोप क्या होगा? कम होगा। स्लोप कम होगा बच्चों तभी ऐसा ग्राफ आएगा। अरे ठीक है ना, इसका स्लोप क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन रिमूव करने होंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, हाँ यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, मान लो तुम, ठीक है ना, मान लो पहले तुम 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, अभी क्या हो गई तुम्हारी स्पीड, क्या हो गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई एक्सेलरेशन, मतलब अभी भी बढ़ी रही है ना, कम कहीं से बढ़ रही है। तुमने उसका कान ऐठा था स्कूटी का, अभी क्या है थोड़ा सा धीरे ऐठा है, बट ऐठा तो अभी भी है। अरे ठीक है ना, स्पीड अभी भी बढ़ रही है बच्चों, बट कम तेज से बढ़ रही है। हाँ तब तब आपकी घटेगी वेलोसिटी, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैंने यूनिट ये दिया था यू, इसमें देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आएगा सेकंड पार्ट में, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है अचीव कर चुका होगा। हाँ 2 सेकंड पर वेलोसिटी फाइंड कर लो, है तो कांस्टेंट ही ना, वो है तो कांस्टेंट ही। कितना होगा वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? 5 × 2/2, 5/4 होगा यू नॉट की वैल्यू, ठीक है। अरे ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या कहा कि शेप पता करना है बच्चों आपको, जैसे ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने एग्जैक्ट आपको डिराइव करके कि एग्जैक्ट शेप आया कहाँ से है। आपको एग्जैक्ट शेप नहीं डिराइव करना है, सिर्फ आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। मैं आपको बच्चों ग्राफिकल एनालिसिस का क्वेश्चन करा देता हूँ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। पेज नंबर क्या खोल लो बच्चों आप, 62, ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 91 बच्चों अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। ऑप्शंस एलिमिनेट करने आने चाहिए बस बच्चों। अरे ठीक है, कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप गलत हो जाएगा। पेज 63 क्वेश्चन नंबर 91 बच्चों, ऑनलाइन वालों, बच्चों मॉड्यूल खोल लिया सभी ने? Yes, sir. बच्चों ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, वीटी ग्राफ, ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम अर्थ, ठीक है, ये बच्चों दे रखा है। कौन सा बच्चों ग्राफ है, इसमें ग्राफ बनाना है बच्चों, क्या बनाना है तुमको, ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ बनाना वाला ही है ना बच्चों, क्या तुमको ग्राफ बनाना है? नहीं, तुमको ग्राफ बनाना नहीं है। पहला ऑप्शन देखो बच्चों, पहला ऑप्शन वीटी ग्राफ ऐसा है, अरे है ना बच्चों। दूसरा ऑप्शन क्या है बताओ, ऐसा है, फिर ये ऐसा है बच्चों, क्या है तुम्हारा, और चौथा क्या है बच्चों आपका, ऐसा, ठीक है। अरे ठीक है बच्चों, यही है ना। ऑनलाइन वाले बच्चों दिख रहा है सभी को? यस सर, ठीक है। देखो बच्चों, अब आपको अज्यूम करना है बच्चों कि मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, पार्थ भाई मान लो तुम खड़े हो, मान लो तुम बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, जाहिर सी बात है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। मान लो तुमने ऊपर की डायरेक्शन क्या मानोगे आप, पॉजिटिव, तो नीचे क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अच्छा पहले क्या जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? यहाँ पर पहुंचे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो,
अरे क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। उसके बाद बच्चों नीचे की ओर आएगा, तो नीचे की ओर आएगा तो वेलोसिटी का साइन क्या हो जाएगा, वेरी गुड, निगेटिव हो जाएगा। एक हाफ में पॉजिटिव, दूसरे हाफ में निगेटिव, ठीक है। ये सही हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? हमेशा पॉजिटिव है। क्या ये सही हो सकता है क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या ये सही हो सकता है क्या? कौन सही होगा? अरे ठीक है ना। देखो अब ये सेटिस्फाई क्यों कर रहा है बच्चों, सोचो। जब ऊपर फेंक रहे हो बच्चों तो देखो वेलोसिटी कम होती जा रही है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होगा, जीरो। फिर बच्चों देखो निगेटिव में बढ़ती जा रही, क्यों? क्योंकि जब नीचे आओगे तो क्या होगा, निगेटिव में ये बढ़ती जाएगी। तो ये सारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। अरे आ गई बच्चों समझ में बात? ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को डाउट है प्लीज बोलो। नहीं सर। ठीक है आ गया अनुश्री, श्रेय भाई आ गया तुमको, तनुष्का, यस, मनोज, मनन, मनोज, दीपेश भाई, यस सर। ठीक है चेंज कर दे बच्चों स्लाइड, एक और क्वेश्चन कर ले। अरे बच्चों एक और क्वेश्चन कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 98 तो मैंने करा दिया अभी क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन नंबर 98 बच्चों 64 पेज पर तो करा दिया ना 80 ग्राफ। अरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 98 देखो 64 पेज पर मैंने करा दिया ना अभी 80 ग्राफ। ठीक है क्वेश्चन नंबर 99 बच्चों करो आप, क्वेश्चन नंबर 99 करो आप, सही बताओ कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 99 बच्चों इसमें साइन ही देखना होगा बच्चों तुमको, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, एक बॉल को आपने फेंका है, नीचे आती है बच्चों फिर से उसकी हाइट पर जाती है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है बच्चों, मैं ड्रॉ करता हूं तब आप सॉल्व करो। पहला दे रखा है बच्चों ऐसा कुछ है, वीटी ग्राफ दे रखा है ना बच्चों, यस। दूसरा क्या है बच्चों आपका, ये आपका ऐसा है, तीसरा क्या है बच्चों आपका, तीसरा है आपका ऐसा, और चौथा क्या है बच्चों आपका, अरे चौथा क्या है आपका ऐसा है। ठीक है कौन सा सही है बच्चों, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सारे बताएं कौन सा Second. सही है। Second. कौन सा सेकंड 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 और कोई थर्ड, आप दोनों थर्ड, अब भाई हाँ बस कितना सोचोगे, तो मॉडल टू लेकर आए हाँ, तो अभी तक क्या देख रहे हो सर, इधर है ना इसको ले लें पेज 98, ठीक मॉड्यूल 1 भी मिला होगा ना आपको, ठीक कोई बात नहीं। कौन सा सही होगा बच्चों, बाकी बच्चे बोले ऑनलाइन वालों में, अरे थर्ड क्यों सही होगा, तो ऊपर पहले क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ओके ओके तो सही है। कौन सा सही है बच्चों, थर्ड, थर्ड सही है। A body dropped from certain height. मतलब क्या कह रहा है बच्चों, अभी आप मान लो पार्क वाइज बिल्डिंग पर खड़े हैं, मान लो अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं बॉडी को, तो जाहिर सी बात है इनिशियल क्या होगी बच्चों, इनिशियल डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। अरे नीचे जा रहा है ना बच्चों, कह रहे डाउनवर्ड क्या ले रहे हो आप, पॉजिटिव, तो इनिशियल क्या होगी, पॉजिटिव। और बच्चों देखो निगेटिव भी आएगी जब ऊपर जाने लगेगा, अरे यहाँ टकराएगा ना बच्चों ग्लास सीलिंग पर, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव भी होगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। फोर्थ भी पॉसिबल नहीं हो, क्यों नहीं होगा, सही बताओ फोर्थ पॉसिबल क्यों नहीं होगा, वीटी ग्राफ का स्लोप बताओ,
वीक सुनो, कौन सा बच्चा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा होगा इसमें? अरे कौन सा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा होगा किस मोशन के? ग्रेविटेशनल। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट। बच्चों बताता कौन है एक्सेलरेशन? डीवी बाई डीटी। डीवी बाई डीटी क्या है बच्चों? स्लोप है कि नहीं है? अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब क्या है? स्लोप भी क्या है? कांस्टेंट। क्या इसमें स्लोप कांस्टेंट लग रहा है क्या तुमको? तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अरे नहीं है ना बच्चों? ओके, ये थर्ड वाला भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? सॉरी, थर्ड वाला पॉसिबल है, सेकंड वाला क्यों नहीं है? हाँ देखो बच्चों, उसमें भी देखो पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है। बट सोचो, शुरुआत में जब ड्रॉप कर रहे होगे बच्चों, तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी? हाँ, तो क्या होगी आपकी? ज्यादा होगी। अब शुरुआत में वेलोसिटी क्या थी तुम्हारी? जीरो थी। यहाँ पर देखो टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी बच्चों कुछ दे रखी है, ये भी पॉसिबल नहीं है। या ऐसे सोचो बच्चों, जब आपका नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, यहाँ पर क्या हो रही है? कम हो रही है। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। सोचो नीचे आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ती रहेगी। अरे बढ़ती रहेगी पॉजिटिव होगी। जैसे ही टकराएगा बच्चों, देखो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस क्यों है? देखो ग्राफ हर्षिता, देखो भाई यहाँ पर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस क्यों है बच्चों? ऊपर जाएगा तो क्या होगा बच्चों? स्पीड घटती रहेगी। यहाँ पर क्या होगा? जीरो। फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पर मतलब पहुंच गया यहाँ पर, फिर से क्या आएगा? नीचे। नीचे आएगा फिर से वेलोसिटी बढ़ती रहेगी बच्चों। अरे आ गया ना? अरे क्या आगे कौन प्लेस बच्चों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड। ऑनलाइन वाले बच्चों आ गया समझ में? यस सर। सेकंड गलत क्यों होगा? ये आ गया ना समझ में? ठीक है। अरे कर लोगे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस ग्राफ के? ठीक है, बाकी 104 देखो। ठीक है, पेज 66 104, इसमें बच्चों आपको वीटी ग्राफ दे रखा है। क्या पता करना है? डिस्टेंस ट्रेवल। अरे ये पता करना है ना बच्चों, कैसे क्वेश्चन कराए गए क्लास में? अरे बच्चों एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन। अरे स्लोप एक्सेलरेशन देता है भाई। डीवी बाई डीटी क्या है आपका? स्लोप है। डीएस बाई डीटी एरिया क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेशन देता नहीं देता। अरे भाई वी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डीएस बाई dt। तो v dt क्या देगा बच्चों? ds। अरे यही तो आएगा ना बच्चों, एक बार क्वेश्चन लिख लो। तुमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पता करना है ना, तो v वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो रिलेशन होता है वो लिखो। तुमको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन पता करना है तो क्या लिखो? v इक्वल टू ds बाय dt लिखो। यहां से ds क्या आ जाएगा? v dt। जैसे इंटीग्रेशन आया मतलब क्या है? ये एरिया निकालना है। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो डिस्टेंस पूछा गया है। क्या पूछा गया है? डिस्टेंस। सोचो ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना बच्चों, हमेशा क्या वेलोसिटी कभी निगेटिव हो रही है क्या? नहीं, मतलब हमेशा एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना बच्चों, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। अरे ठीक है, तो क्या होगा? एरिया कैलकुलेट कर लेना है। अरे बच्चों देखो, दो रेक्टेंगल बन रहे हैं और अरे कर लोगे ना? कर रहे एरिया कैलकुलेट। अरे कर लोगे ना एरिया कैलकुलेट बच्चों? ऐसे क्वेश्चन कराए गए हैं ना? अरे भाई नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना एरिया कैलकुलेट? 105 बच्चों लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, या सेकंड लास्ट करा रहा हूं, 103 भी करा दूंगा। 105 देखो बच्चों, कह रहा है कौन सा बच्चों ग्राफ इसमें यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करता है? पहला है वीटी बच्चों ऐसा, दूसरा क्या है बच्चों आपका? ऐसा बच्चों। तीसरा क्या है तुम्हारा? ऐसा है बच्चों। और चौथा क्या है तुम्हारा? ऐसा है। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? अरे गधों, कौन सा ऑप्शन सही है?
यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? किसमें कांस्टेंट है वेलोसिटी? यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी क्या हुआ? कांस्टेंट। किसमें कांस्टेंट है वेलोसिटी? अरे आ गया ना बच्चों, आसान है ना? अरे भाई आसान है, अरे भाई वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। इसमें क्या? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। इसमें क्या बच्चों? स्लोप क्या है आपका? यूनिफॉर्म है। तो बच्चों इसमें क्या होगा आपका? एक्सेलरेशन क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा, ये कह सकते हो। बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना बच्चों। ठीक है, 103 बच्चों, 103 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पर एक क्वेश्चन शायद मैंने दिया है ऐसा ही, क्या था, मैंने ऐसा बताने का प्रयास भी किया था आपको, ठीक है, गड़बड़ हो गया था। देखो एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी वाला कोई बात नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग की है शायद, रिकॉर्डिंग नहीं की। लास्ट के एक साइनसोइडल ग्राफ में उसका क्वेश्चन देख लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। 103 बच्चों कुछ ऐसा क्वेश्चन है, देखो यार मैं ग्राफ पता नहीं इसको बना पाऊंगा ठीक से, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। ये ए है आपका, क्या है पहली बात, इन्होंने खुद ठीक से, ये क्या बच्चों आपका बी है, बी पर फ्लैट हो गया बच्चों आपका, और सी पर बच्चों देखो आपका गेन क्या हो रहा है आपका, पॉजिटिव हो रहा है, और डी पर क्या है बच्चों आपका, देखो बच्चों ये क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, क्या बच्चों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और ये क्या बच्चों आपका ओ है। अरे ठीक है बच्चों, देखो ए बी क्या बच्चों स्ट्रेट लाइन है, ध्यान देना, ए बी क्या है दिख रहा है ग्राफ में आपको, ए बी क्या बच्चों आपका स्ट्रेट लाइन है, हाँ ढंग से देखो, हाँ अरे टेढ़ा है बट देखो स्लोप से स्ट्रेट लाइन है, कर्व नहीं है वो, अरे क्या दिख रहा होगा स्ट्रेट लाइन आपको, बस मॉड्यूल है हाँ क्या आगे आ जाओ ना तब से, ठीक है। अरे हो गया बच्चों, और ये क्या है बीसी, देखो बीसी कर्व है, सीडी भी बच्चों देखो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तुमको, अरे सीडी भी क्या दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, क्या दिख रहा है ऐसा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है बच्चों, अब कह रहा है आपका चार रीजन दे रखे हैं, कौन से OA, अरे बच्चों O से A, फिर क्या है AB, फिर क्या है BC, और उसके बाद क्या है CD, ध्यान देना बच्चों तुमको एक्सेलरेशन पता करना है, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन डायरेक्ट तो पता होगा नहीं, पहले क्या पता करना होगा वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी क्या होती है ds by dt बच्चों क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है स्लोप की एरिया, स्लोप, ठीक है। और बच्चों फिर अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा फिर एक्सेलरेशन, मतलब ये स्लोप के चेंज की रेट है, एक्सेलरेशन क्या है बच्चों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप आया ना उसके चेंज की रेट, अरे भाई स्लोप से क्या आएगी बच्चों वेलोसिटी, इसके स्लोप से क्या आएगी वेलोसिटी, फिर से सुन लो बच्चों ऑनलाइन वालों, इसके स्लोप से क्या आएगी वेलोसिटी, अगर स्लोप चेंज हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा, स्लोप बढ़ रहा होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, स्लोप घट रहा होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, स्लोप नहीं चेंज हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन स्लोप नहीं चेंज हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो, अरे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो। अच्छा ओ से ए में पार्ट में आओ, देखो बच्चों ये कर, देखो अभी ये ऐसा ग्राफ आया था, इस ग्राफ का स्लोप बच्चों क्या हो रहा है कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं, अब बताओ कि स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है बच्चों, घट रहा है, अरे बच्चों देखो ये नीचे की ओर जा रहा है नहीं जा रहा, नीचे की ओर जा रहा है, स्लोप क्या हो रहा है घट रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या है बच्चों नेगेटिव, स्लोप घट रहा है मतलब स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है घट रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ नेगेटिव। ए बी पार्ट में देखो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट स्लोप मतलब वेलोसिटी क्या हो गई
कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन क्या हुआ, जीरो। एबी पार्ट में क्या हो गया, जीरो। बीसी पार्ट में देखो बच्चों क्या स्लोप कांस्टेंट है, नहीं, स्लोप बच्चों बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन क्या है, तो क्या हो गया पॉजिटिव। सीडी पार्ट में क्या बताओ, जीरो। अरे फिर से वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट, ये स्लोप कांस्टेंट है वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव जीरो, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी। अरे आ गया समझ में, यही मैं बताने का प्रयास किया था, ठीक है, उस देखिए मिसफॉर्चुनेट इवेंट्स हो गए, ठीक है। अरे हो गया बच्चों, 106 तो बताया था ना आपको, ऐसा क्वेश्चन कौन सा इसमें रियलिस्टिक है, अरे ऐसा बताया था आपको, एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, अरे ऐसा क्वेश्चन बताए थे, अरे ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन होगा, ठीक है। अरे बच्चों कर लोगे ना, ग्राफ के क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस आया बच्चों कि कुछ ही को कुछ डाउट आ रहा है, तो अभी बता दो, ग्राफ में सिर्फ दो ही चीजें होंगी, या तो स्लोप होगा या तो एरिया होगा, अरे ठीक है भाई, या तो स्लोप होगा या तो एरिया होगा, ओके आ गया बच्चों, ग्राफ के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब बच्चों आ जाओ आप पेज नंबर 53 पर, इस पर आ जाओ, पेज नंबर 53, पेज नंबर 53 पर आ जाओ बच्चों, 1 से लेकर 10 तक किसको किसी में डाउट है, 1 से लेकर 10 तक बच्चों प्लीज पूछो, उसमें हाँ देखो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, देखो बच्चों सबसे पहले क्या करना, चार डायरेक्शन बना लो, ठीक है ना, ये कौन सी होती है तुम्हारी, ईस्ट, ये क्या होती है नॉर्थ, ये क्या होती है वेस्ट, ये क्या होती है साउथ। शुरुआत में बच्चों कहाँ पर चले जाओ आप, ओरिजिन पर चले जाओ, क्या कह रहा है पहले किधर जाता है, 30 मीटर नॉर्थ, बच्चों 30 मीटर इधर चला गया, मान लो ओ से बच्चों कहाँ पहुंच गया, ए पर, 20 मीटर किधर गया फिर, 20 मीटर ईस्ट, तो बच्चों 20 मीटर ये 30 हो गया, 20 किधर चला गया, इधर चला गया, और फिर क्या गया बच्चों, 30 रूट टू साउथ वेस्ट। देखो बच्चों इसी में कंफ्यूज हुए होंगे, साउथ वेस्ट का मतलब क्या हुआ, इधर यही है ना बच्चों, ये साउथ है, ये क्या है सॉरी उल्टा, ये वेस्ट है, ये क्या है साउथ, मतलब देखो साउथ वेस्ट का मतलब बच्चों दोनों से क्या बना रहा है, ये 45 डिग्री बना रहा है, एग्जैक्ट साउथ वेस्ट का मतलब क्या हुआ, दोनों से सेम एंगल बना रहा है। अच्छा ये कितना बच्चों 30 रूट 2 है, इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या हुआ, जो आपका वेस्ट की ओर है बच्चों, वेस्ट से कितना एंगल बना रहा है 45, क्या होता है ए कॉस थीटा, बताया था ना बच्चों, अरे भाई क्या होता है ए कॉस थीटा, 30 रूट 2 cos 45, अरे कंपोनेंट यही होता है ना बच्चों, तो cos 45 क्या होगा 1/√2, कितना आ जाएगा ये 30, और सिमिलरली ये भी क्या होगा बच्चों 30√2 cos 45, अरे भाई ये भी तो यही होगा ना, साउथ से भी सेम एंगल बना रहा है, तो ये भी कितना होगा बच्चों 30। अब इस बात को समझो, 30√2 SW आने का मतलब क्या हुआ, 30 वो वेस्ट भी जा रहा है और 30 वो साउथ भी जा रहा है, तो क्या करोगे बच्चों आपका, 30 किधर ले जाओ, तो 30 साउथ जाएगा तो यहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा ना बच्चों, अरे 30 ऊपर गया था ना नॉर्थ, 30 साउथ आ गया मतलब यही पहुंच गया, और किधर जा रहा है बच्चों फिर, 30 वेस्ट मतलब किधर जाएगा इधर, तो ये तो 20 हुआ बच्चों, 10 और गया कि नहीं गया, अरे 10 और गया ना बच्चों इधर, तो ये हुआ फाइनल पोजिशन, और इनिशियल क्या थी बच्चों, ये थी, और फाइनल क्या हो गई, ये हो गई, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है 10, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना आया 10 टुवर्ड्स किधर है बच्चों, वेस्ट आया, क्यों एरो किधर लगाते हैं बच्चों, फाइनल पोजीशन की ओर, तो डायरेक्शन क्या होगी वेस्ट। आया बच्चों ऑनलाइन वालों, आया समझ में, इसमें ये समझना था बच्चों, सिर्फ क्या समझना था आपको कि 30√2 SW का मतलब क्या हुआ, 30 वेस्ट भी जा रहा है 30 साउथ भी जा रहा है, ठीक है ओके अच्छा क्वेश्चन था, और
यार तो हो गया ऑनलाइन वाले बच्चों, हो गया नाइन थोड़ी हुआ होगा, ठीक है हाँ श्रेया सर थर्ड क्वेश्चन भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, थर्ड और नाइन। अच्छा ट्वेल्व और नाइन, अरे ये कह रहे ये आ गया समझ में श्रेया, ये समझ में आ गया। अरे बोल दो भाई, हो गया था ना ये, ठीक है। टू देख लो बच्चों, क्वार्टर सर्कल पर जाता है, देखो भाई, अरे यही हुआ ना है? अरे देखो क्वार्टर सर्कल का मतलब क्या हुआ, देखो ये वन फोर्थ तक नहीं है, दिख रहा है तुमको? तो यहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से कहाँ जा रहा है, बी जा रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा, टू पाई आर का क्या होगा बच्चों, फोर, तो क्या होगा पाई आर बाई टू। और ये क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसको यहाँ से मिला दो, यही तो होगा ना, यही सिर्फ फाइनल, ये आर है बच्चों, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या होगा रूट टू आर होगा। अरे पाइथागोरस से देख सकते हो ना, क्या होगा रूट टू आर होगा। क्या पूछे, दोनों का रेशियो पूछा है, तो भाई क्या होगा रूट टू आर, आर से आर क्या हो गया कट गया, पाई बाई टू रूट टू, ये आ गया, ठीक है। पाई मतलब क्या रख देना बच्चों, 22/7, तो कितना आ जाएगा 11/72, ठीक है। और कौन सा कुछ क्वेश्चन, नाइन्थ से पहले किसी को डाउट है, नाइन्थ में बताऊंगा, नाइन्थ एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों। हाँ थर्ड क्वेश्चन पी से क्यू कहाँ जा रहा है बच्चों, अच्छा ठीक है ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है आपका। ये ऐसा पाथ है बच्चों, ये क्या है तुम्हारा ए है, ये क्या है ओ है, और ये कहाँ है बच्चों आपका यहाँ पर, और ये क्या है आपका बी, ये क्या है बच्चों आपका पी, और ये क्या है बच्चों आपका आर, अरे क्या है ये आर, ठीक है। कह रहा है बच्चों थ्री पार्टिकल्स पी क्यू आर सिचुएटेड एट पॉइंट ए, ठीक है। देखो बच्चों अब कहां पर बच्चों पहुंच रहे हैं आपका, इस सर्कल कहां पर पहुंच रहे हैं बच्चों, बी पर, अरे कहां पर पहुंच रहे हैं बच्चों बी पर। तो कह रहा है आपका रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल्स पी एंड क्यू, बहुत ही आसान है। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, लेंथ ऑफ पाथ, पी कितना चल रहा है बच्चों, सोचो ए से बी आना है उसको, तो पी यहां से चल कहां रहा है बच्चों, थ्री क्वार्टर मतलब थ्री फोर्थ ऑफ टू पाई आर, अरे ये चल रहा है ना बच्चों, टू पाई आर क्या हो रहा है थ्री फोर्थ, अरे चार क्वार्टर होते हैं ना बच्चों, टू पाई आर को फोर से डिवाइड करो, तीन से मल्टीप्लाई करो, आ गया, अरे ये कर रहे हो ना, अरे बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी आ गया, डाउट है किसी को इसमें, अरे टू पाई, देखो बच्चों तीन क्वार्टर चल रहा है ना, एक तो ये क्वार्टर, एक तो ये क्वार्टर, एक तो ये क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या हुआ 2 पाई आर बाई 4, कितने चल रहा है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ये तो किया ना मैंने 3 बाई 4, ओके आ गया, जिसने पूछा था, ठीक है ओके। अब क्यू वाला तो बच्चों बहुत ही आसान है, क्यू कैसे चल रहा है बच्चों, क्यू इधर से इधर जा रहा है, ये कितना हो गया आर, फिर किधर से किधर जा रहा है, यहाँ से यहाँ कितना हो गया 2r, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई क्यू कितना हो गया 2r, डिवाइड करोगे बच्चे देखो क्या आ जाएगा, 2r 2r कैंसिल, क्या बचेगा 6/4 3/2, डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा, अरे हाँ पाई भी आएगा ना, कितना आ जाएगा 3π/2 आएगा, अच्छा सॉरी 2 कट गया ना, 2 कट गया, तो 3π/4 आ जाएगा। और बच्चों नाइन्थ से पहले एट्थ क्वेश्चन मैंने बताया था, अरे याद है ना चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, तो ये बताया था मैंने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एवरेज यही क्वेश्चन था, देखना क्वेश्चन नंबर 9,
जब भी प्रिपेयर किया करो सबसे पहले बच्चों क्या किया करो, अरे भाई जब भी प्रिपेयर किया करो सबसे पहले क्या करो, करो थ्योरी पढ़ा करो, जो पढ़ाई गई है उसके बिना नहीं हो सकता। पहले क्वेश्चन ना किया करो, थ्योरी पढ़ा करो तो उसमें क्वेश्चन भी कराए गए हैं तो उससे काफी कुछ आ जाएगा। अरे ठीक है ना, और नहीं समझ में आ रहा है तो भाई सबसे बड़ी सुविधा तुम्हारे पास वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है, आराम से जाकर आप उसी पॉइंट पर जाकर उसको देख सकते, क्लियर कर सकते हो कैसे बताया गया था, ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो बच्चों, देखो एक ड्रंकर्ड है, ठीक है, मान लो पी रखी है इसने, कह रहा है बच्चों ये 5 स्टेप फॉरवर्ड जाता है और 3 स्टेप बैकवर्ड आता है, मतलब नेट कितना चलता है बच्चों, 2 स्टेप। अरे भाई 8 सेकंड में बच्चों कितना चलता है वो, मतलब देखो हर एक स्टेप में कितना ले रहा है बच्चों, 1 सेकंड ले रहा है, तो वास्तव में जब 5 और 3 चल रहा है बच्चों, 5 स्टेप फॉरवर्ड गए और 3 स्टेप बैकवर्ड, तो कितना चल रहा है नेट आपका, हाँ वास्तव में चल कितना रहा है 8 स्टेप, बट आगे कितना जा रहा है वो 2 स्टेप, और टाइम कितना लिया बच्चों उसने 8 सेकंड लिया। अब बच्चों कह रहा है कितने दूर पर गड्ढा है आपका, 11 मीटर पर गड्ढा है, तो कह रहा है कि कितना कितने टाइम बाद वो गड्ढे में गिर जाएगा। ओके इसमें कैच क्या है बच्चों समझना, कि आपका अगर मान लो 5 मीटर पर बच्चों गड्ढा होता, क्या होता 5 मीटर पर गड्ढा होता, यहां से चल मान लो, ठीक है ना, पार किया मान लो 5 मीटर पर गड्ढा आया, 5 मिनट फॉरवर्ड चला गिर गया, तो क्या लौटेगा क्या अभी, नहीं, तो फाइनली क्या होगा बच्चों, जब एक पॉइंट पहुंचेगा जब गड्ढे में गिर जाएगा तो वहां से लौट नहीं पाएगा, अरे आगे बात समझ में, जब गिर जाएगा तो लौट नहीं पाएगा। अब देखो गिरे कहां पर, कितना मीटर पर है बच्चों, 8-11 मीटर पर, कहां पर है 11 से पहले बच्चों कहां पर रहा होगा, मान लो 5 नंबर तो कितने पर रहा होगा, 6, मान लो 6 पर है, 6 के बाद बच्चों 5 जाएगा आगे तो कितना आएगा 11, अरे आ जाएगा ना बच्चों, क्या उसके बाद पीछे आ पाएगा क्या, नहीं। अब 6 बच्चों जो है, ठीक है, 0 से 6 मतलब बच्चों अब कितने इटरेशन हुए होंगे 8 सेकंड वाले, सोचो हर एक इटरेशन में 8 सेकंड लग रहा तुमको, अरे भाई एक साइकिल में बच्चों 2 स्टेप ही चल रहा है और उसको कितने लग रहे हैं बच्चों 8 सेकंड, तो कितने बच्चों साइकिल लगेंगे, 2, 3, 6 कितने साइकिल लगेंगे, 3 साइकिल लगेंगे, अरे 3 साइकिल लगेंगे ना बच्चों, और एक हर एक साइकिल में कितना लग रहा है 8 सेकंड, तो कितना होगा 24, और उसके बाद बच्चों 5 सेकंड 5 स्टेप और चलेगा, अभी साइकिल नहीं चलेगा, 5 स्टेप और चलेगा, हर एक स्टेप पे कितना लग रहा है 1 सेकंड, तो 5 स्टेप पे कितना लगेगा 5 सेकंड और, कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, हाँ ये बहुत ही उसमें उसमें आता है, क्या कहते हैं रीजनिंग वगैरह बैंक वगैरह के एग्जाम में आता है, उसमें आता कैसे है, एक बंदर है ये ऊपर जाता है, कुछ देर ऊपर जाता है तो खिसक जाता है, मान लो जंप किया बच्चों यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया ये खिसक गया कुछ देर, मान लो 5 मीटर ऊपर गया 3 मीटर नीचे आ गया, फिर यहाँ पर यही टॉप पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उसको, जस्ट लाइक यहाँ पर गड्ढे में गिरने में टाइम लगेगा, जब टॉप पर पहुंच जाएगा थोड़ी सरक जाएगा, बस यही है जी। अरे ठीक है, अरे आ गया भाई ओके। 10th से बच्चों 15, 10th से 15 सो 13 में 13 क्या है बच्चों आपका, देखो यही वही है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, अरे जो क्वेश्चंस कराए गए थे ना बच्चों, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यही है बच्चों। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या दे रखा है आपका, देखो 1/3 ऑफ डिस्टेंस दे रखा है, क्या दे रखा है 1/3 ऑफ डिस्टेंस, जाहिर सी बात है डिस्टेंस को एस मान लो इसमें, और डिस्टेंस को क्या मान लो आप,
एस मान लो। बच्चों क्या है तुम्हारा टोटल डिस्टेंस क्या हो गई मान लो ए से बी तक कितना हो गई थी एस हो गई। तो बच्चों वन थर्ड कितना होगा एस बाई थ्री, ये भी कितना हो गया एस बाई थ्री, ये भी कितना हो गया एस बाई थ्री। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना आ गया तुम्हारा एस आ गया। अरे ठीक है कितना आ गया एस आ गया। अब बच्चों क्या निकाला तुमको, क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट तो आगे क्या निकालना तुमको टाइम निकालना है बस। और पहले वन थर्ड में कितना चल रहा है किस स्पीड से वी वन, दूसरे में कितना चल रहा है वी टू, तीसरे में कितना चल रहा है वी थ्री। टोटल टाइम क्या होगा बच्चों पहले वन थर्ड में लगा टाइम प्लस दूसरे वन थर्ड में प्लस तीसरे वन थर्ड में। टाइम क्या होता है बच्चों डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस क्या है एस बाई थ्री, ये क्या है बच्चों वी वन, दूसरे में क्या होगा एस बाई थ्री वी टू, तीसरे में क्या होगा ठीक है होगा एस एस क्या हो जाएगा बच्चों देखो कॉमन लोगे क्या हो जाएगा कट जाएगा थ्री, देखो थ्री भी क्या है कॉमन है थ्री ऊपर चला जाएगा थ्री अपॉन क्या आ जाएगा वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू प्लस वन बाई अरे आ जाएगा वी वन वी टू वी थ्री क्या ले लेना एलसीएम तो क्या होगा बच्चों नहीं हाँ अरे भाई वी वन वी टू वी थ्री तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर वी वन वी टू प्लस वी टू वी थ्री प्लस वी थ्री वी वन अरे ये होगा ना बच्चों। अब देखो डिवाइड का डिवाइड है वी वन वी टू वी थ्री क्या चला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा बच्चों थ्री वी वन वी टू वी थ्री अपॉन वी वन वी टू प्लस वी टू वी थ्री प्लस वी थ्री वी वन ये आ जाएगा। देखो बच्चों ये डायमेंशनली सही है, सुनो डायमेंशनल एनालिसिस का भी यूज है। यहाँ पर बच्चों ऊपर देखो तीन आपने मल्टीप्लाई किया है तीन स्पीड को मतलब क्या हो जाएगा स्पीड का क्यूब है और नीचे क्या है दो स्पीड को मल्टीप्लाई किया मतलब स्पीड का स्क्वायर है। स्पीड का क्यूब बाई स्पीड का स्क्वायर क्या होगा स्पीड आ जाएगी। अरे भाई ऊपर तीन पावर नीचे दो पावर कट करके आ जाएगी एक पावर आ जाएगी। अब देखो क्या ऑप्शन नंबर थ्री कभी सही हो सकता है क्या, नहीं बच्चों। अरे थ्री सही हो सकता है क्या बच्चों, नहीं। इसमें स्पीड का स्क्वायर आ रहा है बच्चों। अरे थ्री में क्या दे रखा है वी वन वी टू प्लस वी टू वी थ्री प्लस वी थ्री वी वन बाई थ्री, तो वी वन वी टू करोगे तो स्पीड का स्क्वायर आ जाएगा ना, तो स्पीड का स्क्वायर तो स्पीड होगा नहीं। तीस क्या चौथा सही हो सकता है क्या, नहीं। अरे भाई इसमें स्पीड का क्या आ जाएगा बच्चों, अरे क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, क्या स्पीड का क्यूब पॉसिबल है क्या, नहीं। तो दो ऑप्शन तो डायमेंशनल एनालिसिस से भी गड़बड़ कर सकते हो। अरे ठीक है ना बच्चों, अरे आ गया बाकी एक पहले दो में राम भरोसे। अरे ठीक है भाई दो ऑप्शन तो अगर मान लो तुमने सॉल्व नहीं किया, तुमने अभी पहले तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 25% थी, अभी कितनी हो गई 50%। आपको डायमेंशनल एनालिसिस का यूज आना चाहिए बच्चों। और बता दो जिसने पूछा था बच्चों उसको आ गया, अरे हमने क्या किया था बच्चों एक क्वेश्चन था ना हमारा जो क्वेश्चन था याद है जो क्लास में कराया गया था उसमें था हाफ डिस्टेंस कितने चलता था वी वन से, अदर हाफ डिस्टेंस किससे चलता था वी टू से, इसमें वन थर्ड है बस। जिसने पूछा था भाई आ गया, यस सर ठीक है ओके बच्चों 15 तक और 15 से 20 19 अरे यार हो जाएगा ना टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, अरे टोटल टाइम दे रखा है डिस्टेंस से कर दोगे स्पीड इनटू टाइम। अरे भाई पहले आप चल रहा है 20 सेकंड में कितना चलेगा 20 इनटू 3 प्लस 4 इनटू 20 4 मीटर पर सेकंड 20 प्लस क्या होगा 5 इंटू 20 टोटल डिस्टेंस आ गए। टाइम क्या होगा 20 फिर कितना चल रहा है फिर 20 और फिर 20 कितना होगा टाइम 60 डिस्टेंस आ गए टाइम आ गए डिवाइड कर दूंगे ओके। और बताओ बच्चों सर 15 बोलना हाँ शर्माओ नहीं भाई क्वेश्चन नंबर
15 ये तो बताया था ना एवरेज स्पीड. अरे यार ये तो क्लास में करा गया ना कि अदर हाफ टाइम किससे चलता है V1 से, दूसरे हाफ टाइम किससे चलता है V2 से. ये क्वेश्चन क्लास में कराया गया है. तो एवरेज स्पीड क्या आती थी बच्चों? अरे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जैसे यही था ना बच्चों. टोटल डिस्टेंस कितना हो गई S, पहले हाफ में लगा टाइम कितना हो गया S/2 V1, दूसरे में क्या हो गया SS कैंसिल आउट हो क्या गया बच्चों, 2V1 V2/V1 प्लस रख देना दोनों स्पीड. ठीक है, और कौन सा भाई? देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, बता दे रहा हूं. 23 में डाउट है कि आ गया था, डाउट है कि आ गया था 23. अरे बच्चों x इक्वल टू क्या दे रखा है, a cos b. तुमको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे? डबल डिफरेंशिएट. फिर क्या करोगे? फिर और डिफरेंशिएट करो एक बार. तो v क्या होता है बच्चों? dx/dt. cos का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस a sin t आ गया. फिर a क्या होगा बच्चों? dv/dt. ये x दे रखा है ना, दे रखा ना x denotes displacement in time. ये क्या होगा? dv/dt. sin का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों? दिया रहेगा नहीं, समझदार हो कुछ ना कुछ. देखो आपको समझना भी चाहिए उसका माइंडसेट एग्जाम में. ठीक है, और बच्चों क्वेश्चन नंबर 24. अरे आसान है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर बेस्ड है बच्चों. यू क्या दे रखा है तुम्हारा? के टी. दो तरीके से कर सकते हो उसे. के की वैल्यू क्या दे रखी है? 2. तो यू कितना आ गया बच्चों? इमेजिन करो ये कौन सा इक्वेशन लग रहा है तुमको? वी इक्वल टू यू प्लस एटी नहीं लग रहा है तुमको? du/dt करो बच्चों, क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज क्या आएगा? कितना आएगा? 2. du/dt क्या है तुम्हारा? वेलोसिटी डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? क्या आएगा? एक्सेलरेशन नहीं आएगा. स्लोप बच्चों आपका कांस्टेंट है, du/dt मतलब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है. तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो ना यार. t इक्वल टू 0 पर u कितना रहा होगा बच्चों? 0. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0. कितने टाइम में तुमको पता करना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड. तो कितना हो गया? 3 सेकंड. एक्सेलरेशन कितना आया बच्चों? 2 सेकंड. और क्या पता करना है तुमको? 2 मीटर पर सेकंड. और क्या पता करना है तुमको? SUAT किसमें आते हैं? S is equal to UT plus half AT square. बस ये विदाउट कैलकुलस मैंने कैलकुलस किया, कैलकुलस से भी कर सकते हो. S क्या है बच्चों आपका? पूछा गया है. U तो 0 है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 0. A क्या है बच्चों? 2. T स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 3 का स्क्वायर. कितना आ जाएगा? 9. कितना आ गया ये? 9. अरे ठीक है, आप ऐसा सोचते विदाउट कैलकुलस से भी कर सकते थे. या बच्चों तुमको S पता करना है ना, U से S कैसे आता है, U और S में क्या रिलेशन होता है? U क्या होता है? U और S में रिलेशन. डिफरेंशिएशन का रिलेशन बताओ. हाँ क्या होता है dx में? हाँ अरे ये तो होता है बच्चों. अरे कॉमन सेंस रखो. स्पीड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. ये क्या है तुम्हारा? टाइम. याद रहेगा ना, कोई
भाई कोई मैंने कोई फॉर्मूला बनाया थोड़ी है, ये क्या है वेलोसिटी बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डीएस बाय डीटी क्या है बच्चों तुम्हारा, के टी है, के मतलब क्या है टू टी। अरे याद है ये जो इक्वेशन आया था कहां से आया था, इसी को तो इंटीग्रेट किया था मैंने, याद है तो वही तो आया ना, क्या इसी बात है। तो बच्चों डीएस क्या होगा तुम्हारा, टू टी डी टी। अरे ये है ना बच्चों, कहां से कहां तक, शुरुआत में जीरो था मान लो, बाद में ऐसा हो गया जीरो से कहां तक थ्री सेकेंड। टू टी का बच्चों इंटीग्रल क्या होगा, टू टी का टी स्क्वायर, जीरो से थ्री रखोगे, थ्री रखोगे कितना आएगा, थ्री का स्क्वायर कितना आएगा नाइन, जीरो रखो क्या आएगा जीरो, तो क्या आ गया। अरे इंटीग्रेशन से भी कर सकते, इंटीग्रेशन वाला ज्यादा आसान है, ठीक है। अरे आ गया बच्चों समझ में, ऑनलाइन वाले बच्चों आ गया समझ में, अरे प्लीज बोल दो आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 कैसे होगा, 27 बता दे रहा हूँ भाई सुन लो, वो वाला ज्यादा इजी था। एस क्या बच्चों आपका, 60 स्क्वायर माइनस क्या बच्चों, माइनस टी क्यूब, क्या पता कर रहे हैं बच्चों। शुरुआत में बच्चों ये पार्टिकल कहाँ स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब t इक्वल टू जीरो पर बच्चों u क्या था जीरो था। अब कह रहा है कि आपका टाइम जब बच्चों पार्टिकल की वेलोसिटी अगेन जीरो होगी, मतलब एक बार तो जीरो था इस शुरुआत में, दूसरी बार कब जीरो होगा, तो बच्चों v क्या होगा, ds / dt। डिफरेंशिएट करोगे ना बच्चों, क्या होगा बच्चों 12t - dt² इक्वल टू क्या होगा जीरो। ध्यान देना, t को कट नहीं करेंगे, क्या करेंगे कॉमन लेंगे बच्चों, तो क्या आएगा 12 माइनस या 3t कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 4 माइनस t, 4 पे होगा। तो बच्चों t की देखो ये कब जीरो होगा, दो वैल्यूज पर जीरो कर देंगे, एक तो जीरो पर होगा दूसरा 4 पर, तो जीरो तो लेना नहीं है बच्चों, कौन सा लेना है 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओके। अरे भाई आ रहा है समझ में ऑनलाइन वाले, अरे भाई ऑनलाइन वाले बच्चों बोल दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों मैं करा दे रहा हूँ, कुछ करा दे रहा हूँ मैं, पता नहीं मान लो 29 देख लो बच्चों, अगेन सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करना है बस। y क्या बच्चों, a प्लस बी टी प्लस क्या है, ये है ना, तुमको क्या पता करना है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, t की वैल्यू क्या होगी जीरो, तो t इक्वल टू जीरो पर तुमको क्या पता करना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा उसमें क्या आएगा, t की वैल्यू क्या रखनी है, तो बच्चों v क्या होगा dy / dt, यहां पर y दे रखा है बच्चों, मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर किसके अलावा है, y x के अलावा, ठीक है। तो b + 2ct, तो बच्चों a तो कांस्टेंट है जीरो, क्या आएगा b + 2ct - 4dt इक्वल टू जीरो रखोगे बच्चों क्या आएगा, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे जीरो, इक्वल टू जीरो पर क्या आएगा बी आ जाएगा। और ए चाहिए बच्चों, ए के लिए क्या करोगे, एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, अभी बी तो क्या आ गया कांस्टेंट है, टू सी माइनस आ गया बच्चे, टू सी माइनस तो टी इक्वल टू जीरो रखोगे, जाहिर बात है टी स्क्वायर वाला जीरो, तो ए क्या होगा टी इक्वल टू जीरो करोगे ठीक है ना भाई, डबल डिफरेंशिएशन वाले काफी क्वेश्चन हो गए, अरे हो गए ना, आ गया बच्चों समझ में। अरे आपको इंटीग्रेशन वाला भी बता दिया एक और डिफरेंशिएशन वाला भी बता दिया, क्या कर लोगे ना, कौन सा 30 बस, आपका एक्सेलरेशन क्या है f इक्वल टू क्या है आपका 80, देखो बच्चों चेंज करते स्लाइड, कोई लिख तो नहीं रहा है, लिख रहे क्या बच्चों, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है f, f क्या दे रखा तुम्हारा 80, मतलब f लिखा है कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए,
एफ क्या होता है? अच्छा आपको क्या पता करना है, तुमको क्या पता करना है? वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए ना बच्चों, तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? डीवी बाई डीटी। तो वी कैसे पता करोगे? अरे डीवी बाई डीटी क्या आ गया बच्चों? एटी आ गया। तो वी कैसे पता करोगे? अरे डीटी को उधर ले जाओगे ना, इंटीग्रेट करोगे ना बच्चों, तो डीवी क्या हो जाएगा बच्चों? एटी डीटी। यहाँ पर बच्चों क्या रखो, टी इक्वल टू जीरो पर देखो आपका यू कितना था, यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखी है। देखो इनिशियल क्या था आपका, कुछ वैल्यू दे रखी है ना यू। इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी क्या बच्चों? यू। तो टी इक्वल टू जीरो पर देखो करस्पॉन्डिंग लिमिट क्या होगी यहाँ पर? यू। और टी इक्वल टू टी पर बच्चों क्या पूछा है हमसे? वी पूछा है, राइट। ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? वी टी। यहाँ पर क्या आ जाएगा? टी। तो ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो कॉन्स्टेंट एटी स्क्वायर बाई टू। अरे क्या होगा ये? उसको सेकंड वाले कर लेना, टू उसमें मिस हो गया, ठीक है। सेकंड वाले थोड़ा करेक्शन कर लेना आंसर, ठीक है। और भाई डिफरेंशिएशन वाले में बच्चों, कैलकुलस वाले में किसी को और कुछ पूछना है कैलकुलस वाले सेक्शन में? सर आप एक बार 34 क्वेश्चंस स्क्रीन पर स्किप कर सकते हैं? कौन? 31st. और तुमको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी का टाइम के साथ वेरिएशन चाहिए। अरे चाहिए ना बच्चों। ओके कैसे करोगे? वी क्या आता है बच्चों आपका? डीएक्स बाई डीटी आता है। दोनों साइड क्या कर दो तुम? स्क्वायर कर दो। वी स्क्वायर क्या जाएगा? क्या जाएगा बच्चों? अल्फा स्क्वायर एक्स। और कुछ दे रखा है इसमें? अल्फा आपका कांस्टेंट है, तो वी किसके साथ आपका टाइम से कैसे वेरी होगा, ठीक है। ओके अच्छा ऐसा करो, वी को क्या ले सकते हो तुम? डीएक्स बाई डीटी ले सकते हो ना। देखो बच्चों मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सुन लो। अगर मैं डीएक्स बाई डीटी लिखूं तो देखो यहाँ पर क्या आएगा? अल्फा रूट एक्स। जाहिर सी बात है मुझे x का t के साथ वेरिएशन आ जाएगा, तो x का t के साथ वेरिएशन आ गया, उसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा? v आ जाएगा। अरे भाई x का t के साथ डिफरेंशिएट करो क्या आएगा? v आ जाएगा बस। तो dx by क्या लिखूंगा बच्चों? स्क्वायर रूट x इक्वल टू क्या आ गया? अल्फा dt। अल्फा को बाहर ले लो, कांस्टेंट है। तो बच्चों देखो शुरुआत में क्या था ये? t इक्वल टू 0 पर x क्या था आपका? 0 था। t equal to 0 पर x क्या था? 0 था। t equal to t पर बच्चों मान लो x आपका x हो गया, xt हो गया, ये x हो गया, ठीक है। तो बच्चों देखो root x का, root x का इंटीग्रल क्या होगा? ये x की पावर -1/2 है ना, ये है। तो क्या होता है? x की पावर -1/2 + 1/-1/2 अरे ये होता है ना, x की पावर n+1/(n+1) तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों बताओ? इसका इंटीग्रल क्या आ गया? 2√x। अरे आ गया ये 0, ये क्या है x, ये क्या आ गया बच्चों? डी टी का इंटीग्रल क्या होगा? टी। तो क्या आ जाएगा ये? अल्फा टी। एक बार एक्स रखो बच्चों तो क्या आ जाएगा? 2√x।
एक्स जीरो को क्या आएगा, जीरो क्या गया अल्फा पी, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो फोर एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो एक्स कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर। अब बच्चों तुमको क्या पता करना है, v के लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दो, v क्या होगा dx by dt, बच्चों क्या होगा t स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा 2t, 2 अल्फा स्क्वायर बाय सॉरी 2 अल्फा, हां 2 अल्फा स्क्वायर है मतलब, तो अल्फा स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा ना नीचे, अल्फा स्क्वायर t बाय 2 यही आ जाएगा ना, और अल्फा स्क्वायर t बाय 2, तो बच्चों अल्फा स्क्वायर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो v किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, जीरो क्या होगा, क्या जीरो कह रहे हो, टू अल्फा स्क्वायर बाई फोर होगा ना, तो टू बाई क्या अल्फा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ना, उसका डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों आपका, देखो अल्फा स्क्वायर बाई टू तो कॉन्स्टेंट है, किसके प्रोपोर्शनल है आपका टी, अरे वी प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया टी आ गया, तो देखो इसमें क्या करना था बच्चों, पहले इंटीग्रेशन करना था और उसके बाद क्या आया डिफरेंशिएशन, ठीक है आपको सोचना पड़ेगा, कैसे सोचा मैंने, मैंने बताया ना आपको कि भाई डायरेक्ट आपका वी का टी के साथ वेरिएशन नहीं हो सकता इसमें, तो पहले मैंने एक्स निकाल लिया बच्चों, एक्स का टी के साथ रिलेशन आ गया, फिर एक्स को डिफरेंशिएट कर देते आ गया वी आ गया, ओके क्या अभी भी किसी को डाउट है और किसी क्वेश्चन में, बाकी सारे आपको आ जाना चाहिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्री फॉल वाले, ये डायरेक्ट बच्चों किसका एग्जांपल है, अरे भाई ये क्वेश्चन आप मोशन लगा रहे हैं, इक्वल टू यू प्लस एटी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, डाउट है किसी को इसमें, क्या डाउट है किसी को, ठीक है उसमें किसी को डाउट है जिस, नहीं ग्राफिकल एनालिसिस बच्चों, ग्राफिकल एनालिसिस क्वेश्चन कर लो, अरे ठीक है ग्राफिकल एनालिसिस क्वेश्चन कर लो, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ना है बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में अलग से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है उसके बाद वाले नहीं पढ़ने हैं, अभी कुछ टाइम है तो जो भी नहीं आया है आज की क्लास में, जो नहीं समझ में आया है या पिछली क्लास में जो समझ में नहीं आया पूछ सकते हो बच्चों, थ्योरी में भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, देख लो ऑनलाइन वाले बच्चों भी थ्योरी में भी जो कुछ डाउट है पूछ सकते हो, ये एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पर भी आ रहे हैं जो आज पढ़ा, ग्राफ में क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, डायरेक्ट डिफरेंशियल बेसिक मैथ थोड़ी है यूज हो रहा है ना, देखो बच्चों एक मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन, जैसे ये फॉर्मूला था ना इक्वल टू यू प्लस एटी, अरे था ना ये, हां तो मैंने बताया था कि आपका ये बेटर फॉर्म हो सकता है ना, आपने तो ये डायरेक्ट अभी तो सिर्फ वैल्यू पढ़ी होगी 2 मीटर का 3 मीटर का, यू को ऐसे भी ले सकता है बच्चों, मान लो कहने की y के प्लस 3 के क्या, अरे है तो नीचे तो आपकी कांस्टेंट, और मान लो एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है, i के माइनस 3 का दे रखा है और टाइम को दे रखा है 4 सेकंड, अब तेरा एक बना तो 2y के प्लस ये जो मान लो तीसरा तीन क्वेश्चन यूज कर सकते हो, दूसरा टीम में यूज कर सकते हो, अरे वेक्टर फॉर्म में रख सकते हो ना, ठीक है yes. ऐसे क्वेश्चन क्या है, ठीक है।
हाँ ये सुन लो, स्क्रू गेज। अच्छा स्क्रू गेज में देखा है, तीनों चैप्टर्स का बच्चों आ रहा है, तीनों चैप्टर्स में कुछ डाउट है पूछ लो, तीनों चैप्टर्स का आ रहा है बच्चों। ये स्क्रू गेज में क्या होता है, रीडिंग क्या होती है आपकी, मेल स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल, ठीक है ना, मेल स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल का रीडिंग क्या होती है, लीस्ट काउंट इनटू जो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया रीडिंग हो गया। अब देखो इसमें जीरो इधर आपको पता करना होता है, अगर मान लो जीरो इधर पॉजिटिव में है तो उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा, नेगेटिव में है तो ऐड करना होगा, तो वो कैसे फाइंड करोगे। पहली बात तो तुमको देखो अगर पॉजिटिव जीरो हो रहा है ज्यादा इधर कर रहा होगा तो जीरो ऑलरेडी विजिबल होगा, जीरो तुमको ऑलरेडी दिख रहा होगा। अब कहेगा मान लो यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, पांच आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, जब जॉस क्लोज है तभी क्या आ रहा है, पांच आ रहा है, आने के मुझे जीरो आना चाहिए, मतलब पांच आता एक्स्ट्रा मेजर कर रहा है तो क्या करोगे, फाइव माइनस फाइव इंटू लीस्ट काउंट कर दोगे। अरे ठीक है ना, और मान लो जीरो विजिबल नहीं है तो कैसे आएगा, वो कंडीशन समझना, वो ऐसे आएगा मान लो 50 डिग्री से बच्चे, देखो इसको ऐसे ओपन करते हो, अरे ऐसे ओपन करते हो ना याद है, तो यहाँ पर मान लो 50 यहाँ पर होते जाएगा, मतलब 49 होते जाएगा, जीरो से 49 होगा ना, अरे जीरो से 49 होगा ना बच्चा 50 डिग्री, तो समथिंग 45 मान लो इधर आ गया, तो ऐसा नहीं करना है कि 45 डिग्री लीस्ट काउंट करना है, भाई अरे भाई अगर अभी ये पांच और ऊपर जाता तब जाकर क्या आता, जीरो आता, अरे ठीक है ना, तो क्या करना तुमको, तब फाइव इंटू लीस्ट काउंट करना, ठीक है, दो टाइप से आएगा, ठीक है। बस आपका वर्नियर स्केल में क्या था, उसमें भी क्या था, मेल स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सॉरी वर्नियर स्केल रीडिंग सर, वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे फाइंड करते थे बच्चों, हाँ एमएसडी माइनस वीएलडी, अरे यही था बच्चों एमएसडी माइनस वीएलडी, ये क्यों डाल गया, बट ये ऐसा दिया रहेगा कि मान लो फोर डिविजन्स को फाइंड कर रहे हैं स्केल रीडिंग से, तो क्या होगा फोर इंटू रीस मेन स्केल रीडिंग दे रखे हो, ठीक है, जीरो इसमें भी कर सकते हो, जीरो कर लेफ्ट लाई कर रहा है तो निगेटिव, राइट लाई कर रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है। एक तो होता है बच्चों क्या आता है तुम्हारा एरर का आता है, अरे मान लो ये x स्क्वायर y क्यूब डिवाइड बाय 2 के, मान लो ऐसा कुछ, तो बच्चों मान लो इसमें 2% एरर है, इसमें 3%, इसमें क्या है 4%, ये अरे भाई इसमें 2% इसमें 3% इसमें 4%, तो क्या आएगा मैक्सिमम एरर फाइंड करो, 2 * 2 क्या होगा बच्चों, 2 इंटू पावर का इधर से मल्टीप्लाई, फिर क्या होगा 3 इंटू 3, अब देखो 2 कांस्टेंट है बच्चों, 2 से कोई मतलब है ही नहीं, तो फिर जेड की पावर कितनी है बच्चों, 1 इंटू 2 एंड कर दो, अरे ठीक है ओके, माइनस में जब तुम ये जगह देखो इसके जगह देखा होगा कितनी तुम्हारी परसेंटेज इधर आ रहा है, अगर तुम कहते कि भाई पॉजिटिव इधर है एग्जैक्ट साइन नहीं दे रखा, अब भाई इधर के पॉजिटिव हो सकते हैं नेगेटिव हो सकते हैं, अगर कोई एग्जैक्ट साइन दे रखा है तो एग्जैक्ट साइन रखना, जनरली एग्जैक्ट साइन नहीं दे रखा, ठीक है, आज तक कोई नहीं पूछा गया है, हाँ हाँ अभी आ गए क्या, अरे सुन लो मान लो इसमें क्या है पॉजिटिव एरर है, ठीक है ना, क्या लिखते हैं 2 into 2, मान लो ये नेगेटिव रहा है तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, -3 लिख लीजिए, -3 into 3, ठीक है, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव होता तो +4 लिखते हैं नेगेटिव, ठीक है, पावर क्या है नेगेटिव है, ठीक है ना, अरे पावर क्या है अभी नेगेटिव है, तो अगर ये दे रखा है पॉजिटिव है तो यहाँ पर -1 into 4 लिखते हैं, पावर क्या है अभी इसकी नेगेटिव है, पावर क्या है नेगेटिव है, पावर नेगेटिव लिखा,
ये पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव, अगर ये भी निगेटिव होती क्या होगा? क्यों कर इधर बताया था मैंने इसको प्रूफ कराया, अरे क्यों कर इधर मैंने बताया था इसको प्रूफ कराया गया दादा, इसको मैंने लॉग लेकर दिया था, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर मैक्सिमम पूछा जाए बच्चों तो क्या लोग है सभी का पॉजिटिव वैल्यू है, वही पूछा जा रहा है मुझे, बट अगर मान लो ये दे रखा है कि इसमें पॉजिटिव इरर है इसमें निगेटिव इरर है, तो जो पावर है और इरर सबको क्या रखोगे साइन के साथ, अगर पॉजिटिव इरर है तो क्या रखोगे यहाँ पर, भाई इसकी पावर ही पॉजिटिव है और इरर भी पॉजिटिव है, टू इंटू यहाँ पर मान लो पावर पॉजिटिव है थ्री, पर्टिकुलर क्या है निगेटिव है, साइन साथ रखा, यहाँ पर क्या रखो पावर क्या तुम्हारी माइनस वन है ना, तो पावर माइनस वन, इरर क्या है पॉजिटिव है, प्लस फोर लिखा माइनस होता तो माइनस थ्री, बस ये दिक्कत और कुछ। वेक्टर वाले टेस्ट का, हाँ वेक्टर के टेस्ट में बहुत गंदे मार्क्स आए थे तुम्हारे, पूछ लो वेक्टर के टेस्ट का क्वेश्चंस पूछ लो, कुछ दे देता हूँ कुछ नंबर आ जाए तुम्हारे। देख लो बच्चों कौन सा क्वेश्चन था, कौन से क्वेश्चन में डाउट है, सेवन्थ के अलावा तुम्हारा सही था, सेवन्थ के अलावा पूछ लो मैं बता दूंगा, नंदी लेगा भी मैं तुमको कॉपी बता दूंगा, ठीक है। सेवन के अलावा किसी पर डाउट है, ये तो आपने ट्रायंगल प्लॉट पढ़ा है, ट्रायंगल क्या कहते हैं ज्योमेट्री पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये पढ़ा है ना, अरे भाई एरिया ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू क्या होता है वाई को, क्या होता है बच्चों एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री, क्या होता है एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस क्या होता है एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस क्या होता है एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई थ्री, तीनों एक ही लाइन में लाइन कर रहे हैं ट्रायंगल में निकलता होगा, वेक्टर से भी कर सकते हो, क्यों अगर इन दोनों का बच्चों वेक्टर फाइंड करो और इन दोनों का वेक्टर फाइंड करो दोनों क्या होंगे पैरेलल होंगे, दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके ऑप्शन का रेशियो क्या होगा सेम होगा, तो इसे मैथ से भी कर सकते हो। और सभी ने इसमें गड़बड़ी की थी क्वेश्चन नंबर 10 में, सुनो क्वेश्चन नंबर 10 में गड़बड़ी की थी सभी ने, अंदाज हो गया, ये ओपी है बच्चों, ये क्या है ओपी, मतलब ओपी मतलब क्या होगा एरो किधर लगी होगी फाइनल पॉइंट पी, ओ तो मतलब क्या हो गया ये हो गया होगा, ये वेक्टर क्या हो गया होगा ओपी, अब तुमसे क्या पूछा है पी क्यू मतलब एरो किधर लगी होगी बच्चों पी क्यू के, अगर तुमने एक डायग्राम बना लिया हो गया ट्रायंगल बनाने के लिए बोले बच्चों ओपी प्लस पी क्यू इक्वल टू देखो टेल हेड क्या क्या बच्चे अरे यार नहीं अलग बच्चे यही लिखोगे ना OP प्लस PQ इक्वल टू OQ, तो PQ क्या आएगा बच्चों OQ माइनस PP ये आएगा, अरे ठीक है OP का मतलब क्या होगा बच्चों एरो किधर है फाइनल जो पॉइंट लिखा है, PQ का मतलब किधर आ रहे हो क्यों क्यों और ओपी को मतलब मेरा बता रहे क्यों क्यों, तो ऐसे बनाओगे तुमको दिख जाएगा ना टाइम का नाम, और ठीक है ये सारे सारे का नाम मिला था शायद ही तुमको सही था मेरा भी, चलो कोई बात नहीं अपने भी बात क्वेश्चन नंबर 9 भी सही गलत था, क्वेश्चन नंबर 9
अरे पोजीशन वेक्टर क्या था, मान लो एक का पॉइंट ये बताया था मैंने, पोजीशन वेक्टर एक का कोऑर्डिनेट क्या x1 y1 z1, दूसरे क्या है x2 y2 z2। मान लो बच्चों ये a है, ये क्या है b है। ऐसे सुनो, अगर मुझे a b पता करना है, फाइनल कौन आ रहा है बच्चों, b, और ये कह रहा फाइनल b। यहां पर देखो बच्चों क्या पता करना था मुझे, pq। तो मैंने क्या घटाया था, OQ में से क्या घटाया था, OQ। यहाँ पर बच्चों को O मतलब क्या था, ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखा था बच्चों, तो यहाँ पर तुमको पता करना है B वाला, जाए वहाँ पर जिससे कोऑर्डिनेट में डाल B वाला। अरे तुमको क्या पता करना, PQ तो क्या लिखे थे, OQ माइनस, तुमको AB पता करना, क्या लिखो, OB माइनस OA, यही है अब वो नाइन्थ क्वेश्चन पढ़ो, नाइन्थ में क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं बच्चों का, क्या बनाया तुमको, वेक्टर फॉर, वेक्टर फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए बी ओ डी से लेकर बी ई एफ ओ, बी ई एफ ओ, बी ई एफ ओ मतलब ये वाला फेज हो पीछे वाला, और ए बी ओ डी का मतलब क्या हुआ, ये वाला हुआ। ये कौन से कोऑर्डिनेट है ये बच्चों, देखो आपका ये आपका एक्स है, ये क्या है तुम्हारा जेड, ये क्या है y। तो ये देखो बच्चों आपका एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है, मिल नहीं कर रहा, तो इसमें y क्या होगा बच्चों, जीरो। अरे भाई इस प्लेन में y क्या होगा बच्चों, ये जीरो, और बाकी देखो ये जेड x पर कितना चला होगा बच्चों, आधा a by 2, और z पर कितना चला होगा a by 2, सेंटर पर है ना, तो y जीरो और x और z क्या होंगे a by 2, a by 2। इसमें देखो बच्चों ये y z प्लेन में, इसमें x क्या होगा जीरो, बाकी क्या होंगे सोचो, y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x जीरो होगा, बाकी क्या होगा, y पर कितना चला होगा a by 2, z पर कितना चला होगा तुमको ये पता करना बच्चों, वेक्टर डायरेक्ट फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, ठीक है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। अरे फाइनल एरर किधर है बच्चों, इस वाले पॉइंट पे हो रहा है, वेक्टर फॉर्म में इसको क्या लिखोगे, 0 y के प्लस a by 2 j के प्लस a by 2 b के, ठीक है, इसमें से क्या माइनस करोगे उसका वाला, इसमें क्या बच्चों a y का 0 माइनस 0 j के माइनस a by 2 b के, ये कट गया, तो क्या गया बच्चों a by 2 j का माइनस, ये पोजीशन वेक्टर है, मतलब क्या करते हैं फाइनल वाले से इनिशियल वाले का माइनस करते हैं। अरे देखो इसके पहले वाले में क्या था बच्चों, ओ क्यों पता करना था, पी क्यों पता करना था, तो क्या था, क्यों हुआ फाइनल था ना, तो फाइनल वाला क्या था, ओके था, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर में क्या करते हैं फाइनल में से इनिशियल को माइनस। और देखो क्वेश्चन, इसमें एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पोजीशन पता करना है, दो वेक्टर दे रहे हो कर लेंगे, दो वेक्टर दे रहे हो कर लेंगे ना, अब दूसरा वेक्टर क्या होगा आपका, अरे यही तो होगा ना, ये
ये 5 6 3 और ये क्या है आपका 3 4 तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा बच्चों बताओ 5 3 आई क्या होगा नहीं होगा बच्चों अरे बताओ माइनस कर देना ये क्या होगा आपका 6 4 जे क्या प्लस 3 2 प्रोजेक्शन क्या होता है कंपोनेंट क्या होता है तुमको रटो भी भूल जाएगा क्या बताया था कंपोनेंट मान लो तुमको ए का कंपोनेंट फाइंड करना है बी के नाम तो क्या होगा कंपोनेंट ए कॉस थीटा ये बताया था कंपोनेंट हमेशा ये होता है क्या होता है कॉस थीटा अब कॉस थीटा कैसे निकालोगे कॉस थीटा कैसे निकालोगे मैंने ना मैग्नीट्यूड ही पूछा है कॉस थीटा क्या होता है ए डॉट बी अपॉन ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी क्या हो गया इधर क्या क्या ए डॉट बी अपॉन बी बी मतलब क्या बी का मैग्नीट्यूड और कुछ वेक्टर से भी आ रहे क्वेश्चन बच्चों अरे वेक्टर से भी आ रहे अच्छा तो आगे बढ़ जाएंगे ओके चलो तुम्हारे साथ बता दे देखो पोजीशन वेक्टर का ही बच्चों खेल है पोजीशन वेक्टर क्या होता है फल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट याद रहेगा चाहे लिख देना भी कहीं पोजीशन वेक्टर क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल यहाँ पर बच्चों देखो क्या दे रखा है आपका ये पी वेक्टर दे रखा किधर बच्चों ओपी के रहा अरे है ना अरे है ना ये क्या रखा है बच्चों आपका बी आर और ये क्या रखा है आपका ये क्या रखा है क्यू और एस बच्चों देखो इधर दे रखा और क्या दे रखा है क्यू बच्चों किधर दे रखा है अरे ठीक है सारे वेक्टर का तो मिल गए ये आपका पी है वेक्टर ये क्या है एस है और ये क्या है क्यू रिलेशन आपको बताना है ये करना है ट्रायंगल ऑफ एडिशन यूज करेंगे ट्रायंगल ऑफ एडिशन यूज करेंगे देखो मॉड ऑफ बी आर रखा है बट ठीक है सर बी मॉड ऑफ आर ठीक है मतलब आर को एलिमिनेट करना होगा क्योंकि आर का कोई भी यूज नहीं कर रहा है आर को एलिमिनेट करना होगा ये करना होगा देखो दो ट्रायंगल बन रहे एलिमिनेट हो जाएंगे पहले ट्रायंगल क्या लिखोगे देखो दिस प्लस दिस क्या होगा आपका माइनस है अरे भाई बी प्लस क्या होगा बच्चों बी आर क्या होगा बच्चों देखो अगर ऐसे आता तो क्या होता एस होता अरे होता ना तब अभी क्या रहा है उल्टा आ रहा है क्या लिखोगे आप माइनस बी मॉड आ रहा है किसकी है तो बस ऊपर लेफ्ट दे रखा है मतलब क्या होगा बेटर बी आ रहा अरे देखो क्या दे रखा है मैं जो क्या डिस्टेंस बिटवीन आपका पी एन एस से रखा है बी आर रही तो रखा है तो आपका हाँ कैसे निकालेंगे इसको बी और आर देन बी आर का रखता है कोई बात नहीं कोई भी वेक्टर हो मान लो बच्चों यूनिट वेक्टर देखो मान लो इस आर के अलावा यूनिट वेक्टर क्या मान लो x क्या मान सकते हो लेंथ आपकी मान लो b है ना ठीक है vr है मैं vr है मैं अब यूनिट वेक्टर क्या मान लो x मान लो अरे मान लो x क्या इक्वल टू क्या हो गया माइनस x
ये बी आर एफ है तो ये कितना हुआ आपका वन माइनस बी आर। भाई पूरा आर है ना बच्चों, आर माइनस क्या हो रहा है बी आर, कितना हो रहा आर वन माइनस, ये लेंथ होगा ना दूसरे वाले क्या होगा बच्चों दूसरे फ्रेंगल से देखो ये एरो लगा देते हैं। अभी क्या होगा बच्चों ये एस था ना ये सॉरी उल्टा था एस, एस आपका नहीं मिली, ये क्या था आपका माइनस एस, तो माइनस एस प्लस ये वाला क्या था अभी बताया मैंने आर वन माइनस बी था ना ये यही है ना मैंने इनको क्या था आपका एक्स क्या अरे था इक्वल टू क्या होगा आपका क्यू आ जाएगा नहीं आ अरे क्या जाएगा बच्चों ये मेटर आ जाएगा क्यों अब क्या देखोगे आप इसमें क्या करना है इलिमिनेट करना है क्या इलिमिनेट करना है आर इलिमिनेट करना है जंगल की लेकिन हाँ तो बी क्या आर इलिमिनेट हो सकता है क्या यार बी आर एक्स क्या हाँ एक और बच्चों आपका इक्वेशन बनेगा ना आपका अरे एक और इक्वेशन बनेगा P plus R इक्वल टू क्या होगा क्या होगा बच्चों अरे होगा ना जब आप P plus R इक्वल टू Q देखो ऐसा करो अब पहले दोनों को देखो बच्चों पहले का दोनों को जोड़ोगे देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका आर इसको एक्स क्या कहते हैं ना इनिवेटर क्या ही आर के नाम पहले दोनों को जोड़ो तो क्या होगा कह रहा है ना बी एस ये देखो प्लस बी आर यहाँ पर क्या आएगा माइनस बी आर तीसरे वाले को सबट्रैक्ट कर देते यहाँ पर माइनस आर आर एक्स कहता है तीसरे वाले क्या करेंगे सबट्रैक्ट तो वो आर आपका ले तो क्या बनेगा पी एस क्यू बनेगा। Okay. और किसी को डाउट है कि एंड करें एंड करें बच्चों ऑनलाइन वाले बच्चों एंड करें सो रहे हो एंड कर रहे हो सो गए हो ऑन देख रहे हो